नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। क्या कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे? क्योंकि इन चर्चाओं को स्वयं कुलदीप बिश्नोई बल दे रहे हैं। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में कुलदीप बिश्नोई आज शामिल नहीं हुए और इससे पहले भी नई दिल्ली में जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें भी कुलदीप बिश्नोई ने अपने आप को दूर रखा। 15 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख लोगों को शामिल किया गया था। गुड़गांव से आरंभ हुई इस यात्रा को अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव गुलाम नबी आजाद ने आरंभ किया। वहीं इस यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अतिरिक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर, विधानसभा में कांग्रेस की नेत्री किरण चौधरी, कैप्टन अजय यादव सहित बड़े नेता शामिल हुए। यहाँ तक कि परिवर्तन यात्रा में जिस बस को रथ के रूप में परिवर्तित किया गया था उस पर जिन नेताओं के चित्र लगाए गए हैं उनमें कुलदीप बिश्नोई का चित्र भी है, मगर कुलदीप बिश्नोई यात्रा में शामिल नहीं हुए। आप स्वयं सुने कि किरण चौधरी ने रथ यात्रा को संबोधित किया तो कौन कौन उपस्थित थे, देखें पल पल की इस विशेष रिपोर्ट में। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब, अशोक तंवर जी, हमारे अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव जी, मंच पर सभी कोऑर्डिनेशन कमेटी के सभी मेंबरान और यहाँ आए हुए कांग्रेस पार्टी के रीढ़ की हड्डी सारे के सारे कार्यकर्ता, एक ही बात कहूंगी मैं, ये परिवर्तन यात्रा जो है ये एकता का प्रतीक है और ये एकता का प्रतीक आगे बढ़ाना आपका लक्ष्य है। बताओ, हाथ खड़े करके आगे बढ़ाओगे? बीजेपी को उसकी जड़ों से उखाड़ के फेंक दो, क्योंकि इन्होंने जो 5 साल में जो हाल करे हैं हमारे प्रदेश के, आने वाले समय के अंदर इनको अगर नहीं हटाया तो और बदतर हमारा हाल हो जाएगा। सब एक है, सब नेता यहाँ पर एकता के रूप से सब हम लोग एकजुट होकर काम करेंगे और कार्यकर्ताओं को भी मैं यही प्रार्थना करूंगी कि आप लोग सब जिस चीज से जुड़े हुए वो आपकी अपनी आस्था है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का जहाँ नाम आता है और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का नाम जहाँ आता है वहाँ एकजुट होकर कांग्रेस को आगे बढ़ाओ, तभी सारे के सारे जो है यहाँ पर जो है हम लोग सांस ले पाएंगे। नहीं तो ये दोबारा से जो है अगर गलत काम कर गए तो कहीं जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।